आशुतोष जी भी आ रहे हैं हमारे साथ और शुरू करते हैं मार्केट की गपशप। शैल जी नमस्कार। नमस्कार यतिन जी। और देखिए आज वीकली एक्सपायरी तो थी और यूएस फेड ने समझिए सारी रात जगा के रखा और दिया बाजार को एक तोहफा, जिसमें आपने देखा है कि जो उनकी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है वहां पर अग्रेसिव टेपरिंग होगी और सन 2022 सन 2023 में 3-3 इंटरेस्ट रेट जंप्स और सन 2024 में 2। तो इस आंकड़े को लेकर चौतरफा आपने देखिए पिछले 15 दिनों से हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब वो कुछ शांत होता हुआ। वो इसलिए क्योंकि एक रिलीफ रैली आपने वॉल स्ट्रीट में देखी और एशियाई बाजारों में देखी और 4 दिन की गिरावट के बाद आज निफ्टी और सेंसेक्स कम से कम हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे हैं वीकली एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। यतिन जी बिल्कुल शैली, बावजूद इसके कि हम हरे निशान में बंद हुए हैं, केवल इंफोसिस, रिलायंस और बजाज फाइनेंस के बलबूते पे आज मार्केट्स ने सहारा लिया है, लेकिन मार्केट ब्रेथ काफी वीक थी। केवल 600 गेनर्स अगर आप देखें एनएससी पे और 1200 लूजर्स, तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर थे। अक्रॉस द बोर्ड आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडस्ट्रीज और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज देखें तो वो लाल निशान में बंद हुए। तो कहीं ना कहीं आज सिर्फ हैवी वेट्स का दिन था, हैवी वेट शेयर्स चले और इसी वजह से आप देखेंगे कि ब्रॉड एक्शन मिसिंग था। एक ही इंडेक्स जो हरे निशान में बंद हुआ वो था निफ्टी का आईटी इंडेक्स, बाकी सभी इंडेक्स आपको लाल निशान में। और यतिन जी एक और जो खबर हम लोगों को आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि रुपया अपने न्यूनतम लेवल पर डॉलर के विरुद्ध आपको फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है 76.10। यहाँ पर आप देखिए फायदा होता है फार्मा स्टॉक्स को, आईटी स्टॉक्स को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं और कुछ हद तक टेक्सटाइल काउंटर्स को जो आपको एक्सपोर्ट करते हुए देखते हैं यूरोप में और अमेरिका में। इसके अलावा रुपए की जो गिरावट है वो भी भारी रही बाजार पर और ये हम लोग अक्सर देखते हैं जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे विदेशी मित्र पैसा निकालते हैं भारतीय बाजार से, अर्थव्यवस्था से, तो वो रुपए पर प्रेशर आता हुआ दिखता है क्योंकि वो डॉलर वापस खरीदते हैं। लेकिन आज के बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस के अलावा गिने चुने ही कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपने ठीक ठाक मूव देखा, जैसे कि टेक महिंद्रा। पूरा बाजार आज निद्रा की गोद में था दिन भर, बड़ी मुश्किल से आप देखिए कहीं आपको वॉल्यूम या प्राइस एक्शन दिखा और उनमें से एक काउंटर था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। एग्जिस्टिंग फाउंडर समीर गहलोत साहब ने आपको लगभग 3.6 करोड़ शेयर बेचते हुए देखा इन्वेस्टर्स को, बड़े निवेशकों को, और ये ट्रांजैक्शन 262 रुपए पे हुआ। एफएनओ क्षेत्र में टॉप लूजर आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस था। बिल्कुल, और अगर शेजी टर्नओवर भी देखें तो टॉप ट्रेडेड काउंटर था ये, 2800 करोड़ का टर्नओवर केवल एनएससी में हुआ और 1400 करोड़ का टर्नओवर लगभग आपको दिखेगा ब्लॉक सीरीज में, तो करीब करीब 3500-4000 का टर्नओवर, करोड़ का टर्नओवर आपको इंडियाबल हाउसिंग फाइनेंस पे दिखा। ये तो एक स्टॉक था। दूसरे दो स्टॉक्स जो आज न्यूज में रहे और लाल निशान में बंद हुए, उनमें सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरो केमिकल्स, इसका पुराना नाम गुजरात फ्लोरो है, और फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद और ये खबर आने के बाद लगभग 9% नीचे वो स्टॉक बंद हुआ। अगर आप CNN News 18 हमारी सिस्टर चैनल देखेंगे और CNBC आवाज देखेंगे तो आपका ये जो रिएक्शन